अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब गाइड सॉल्यूशन YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं कतर से खबर निकल कर आ रही है, दो चार खबरें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली खबर दोस्तों आ रही है कतर एयरवेज की तरफ से। यदि भाई लोग आप लोग कतर से उज्बेकिस्तान वगैरह जाने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। साथियों, खबर यह है कि कतर एयरवेज लॉन्च 4 वीकली नॉन स्टॉप फ्लाइट टू तस्केंट उज्बेकिस्तान। साथियों, उज्बेकिस्तान में एक शहर, इसका नाम है तस्केंट, इसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना मैं आपको बता दे रहा हूं। उज्बेकिस्तान के एक शहर है तस्केंट, तो वहां के लिए कतर एयरवेज की तरफ से हफ्ते में 4 फ्लाइटें चलाई जाएंगी, वो भी नॉन स्टॉप, यानी वो फ्लाइटें कहीं पे रुकेगी नहीं, वाया होकर नहीं जाएगी, आपको डायरेक्ट ले चलेगी तस्केंट उज्बेकिस्तान। तो यदि आप लोग उज्बेकिस्तान वगैरह जाने के बारे में सोच रहे थे तो वहां पे आप आसानी से जा पाओगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्लाइट वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा, कतर एयरवेज से बुकिंग कर सकते हो। अगली जो अपडेट आ रही है साथियों, वो आ रही है कतर का जो साथियों जो विभाग है, जो कि साथियों सैटेलाइट वगैरह जो काम करते हैं, उनके तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है। यदि कतर में अभी आप हो तो आने वाले टाइम में दोस्तों 4 से 5 ग्रह को एक साथ आप दे पाओगे। दोस्तों, खबर को यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, प्लेनेटरी पैरेड वेयर एंड वेन टू सीन कतर। यदि आप प्लेनेटरी जो प्लेनेट होने वाला है उसको आप कब कहां कैसे देख सकते हो, वैसे साथियों इसमें 4-5 ग्रह को एक साथ आप देख पाओगे, जैसे कि सैटर्न, नेपच्यून, मार्स, यूरेनस, मरकरी और जुपिटर। तो इन सभी ग्रहों को एक साथ आप देख पाओगे। यदि आप देखना चाहते हो तो कैमरे का इस्तेमाल आप कर सकते हो। दोस्तों, आम कैमरे से वो आप नहीं देख पाओगे, उसके लिए जो स्पेशल कैमरा आता है उसी से आपको देखना पड़ेगा। तो यदि ये सब चीजें आप देखने इच्छुक रखते हो तो जाकर देख सकते हो। अगली जो खबर दोस्तों आ रही है साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के तरफ से कल के दिन एक जबरदस्त कैंपेनिंग चलाई गई थी। कैंपेनिंग के दौरान वहां पे 4 दुकानों को बंद किया गया, जो कि खाने पीने की चीजों को वो बेचते थे। अब दोस्तों, बंद इसलिए किया गया क्योंकि वो लोग एक्सपायरी फूड को वो लोग बेच रहे थे, यानी जो खाने की चीजें दोस्तों जो खराब हो जाती हैं, उसके बावजूद भी वो लोग क्या कर रहे थे, उसको वो बेचने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग रंगे हाथों पकड़े गए, दुकान में रखा हुआ पाया गया। और जब मिनिस्ट्री वहां पे घुसी तो मालूम चला दोस्तों वो एक्सपायर हो चुकी है, जिसके वजह से उन सभी 4 दुकानों को साथियों बंद कर दिया गया, जो कि स्टोर जो कि एक्सपायरी स्टोर फूड को वो लोग रखते थे। फिलहाल सभी पर दुकान वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी लीगल एक्शन होगा उन लीगल एक्शन लोगों पर लिया जाएगा। अगली जो खबर दोस्तों आ रही बहुत ही बड़ी खबर है साथियों, एम्बेसी ऑफ यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एम्बेसी की तरफ से बहुत ही बड़ी जानकारी दी गई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि आप लोगों को यूएस की तरफ से किसी भी दोस्तों स्कॉलरशिप का यदि आपके पास कुछ आता है तो ये स्पैम होगा, ये आपके साथ फ्रॉड करेगा, तो इन सब चीजों से बिल्कुल आपको बच के रहना है। यदि इस तरह से आपके पास कोई कॉल वगैरह आता है तो एम्बेसी का जो वॉशिंगटन का जो एम्बेसी फोन नंबर है, नंबर दिया गया आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, +12022741600, और कल्चरल एचएस फोन नंबर जो है +17033991949। ये नंबर पे कॉल करके आप इत्तला कर सकते हो। तो दोस्तों, छोटी सी खबरें थी, अपडेट्स थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।